गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू एक ग्रंथ सो सभी एक बार जुड़ेंगे प्रहलाद कुमार रेखा सिंह मौर्य रेखा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड सूरज ममता रीति गुड मॉर्निंग ममता ओके प्रतीक्षा आनंद गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यू ऑल गुड मॉर्निंग सर सभी जुड़ेंगे आज मशीन की एक आगाज हो रही है ये तब तक चलेगा जब तक पूरी तरीके से हम मशीन को सीख नहीं लेते तब तक सेशन को चलाएंगे जैसे कि सर्किट एक सागर हमारा इस सेशन चला हुआ था ओके सो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े आप सभी दीपक गुड मॉर्निंग सूरज साहिल गुप्ता गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके गुड मॉर्निंग यू ऑल गुड मॉर्निंग चलिए सर एक बार सेशन को शेयर कर लिया जाए ओके, सो गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग गगन सागर शर्मा ओके okay. गंगा सागर ओके okay. चलिए एक सर्किट एक सागर था इधर गंगा एक सागर राजेश कुमार नॉलेज ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए सर हमारा मशीन एक ग्रंथ पहले मैं बताया था कि एक्चुअली हमारा ये सेशन स्टार्ट होने वाला है आज मेरा इसका फर्स्ट क्लास होगा और इससे हम कई डिस्कशन करेंगे कुछ बेसिक चीजों को भी जानेंगे और उसके बाद मैं यहां से कुछ चीजें आपसे भी सीखने की कोशिश करूंगा आपसे लेने की कोशिश करूंगा कि क्या आप उस चीज को जानते हो या नहीं अगर नहीं जानते हो तो उस तह तक उस गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे और ट्रांसफॉर्मर यानी मशीन के अंदर ट्रांसफॉर्मर केसन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे देन आएगा हमारा डीसी मशीन देन इंडक्शन देन सिंक्रोनस देन स्पेशल मशीन ऑल्सो ओके चलिए सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी पूनम यादव जितेंद्र आशीष सचिन गुप्ता जी गुड मॉर्निंग नॉलेज ओके जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग संग गंगा सागर जी गुड मॉर्निंग सो एक बार जुड़े सभी फटाफट फटाफट सर जुड़े ओके okay, क्योंकि ये एक बार सेशन निकल गया तो सर फिर जल्दी इंटरेस्ट नहीं बनता अपन चाहते हैं कि स्टार्टिंग से चीजें सीखें है ना तो बेहतर रहता अपने लिए स्टार्टिंग से चीजों को सीखना है गुड मॉर्निंग जी जितेंद्र अभिषेक एकदम जो एकदम आ रहे हो ना सर पूरे कोशिश करिए सवा सौ लेक्चर होगा एक सौ पच्चीस लेक्चर के अंदर अब मेरी कोशिश होगी कि मशीन को कंप्लीट कर दूं और आप लोग जुड़े रहे जैसे 93 थ्री लेक्चर हमने सर की टेक्सागर आपके लिए किया था वेट अ सेकेंड वेट अ सेकेंड चलिए जी चलिए सभी जुड़ रहे हैं चलिए बेस्ट टीचर इवर ओके थैंक यू तन्मय चलिए जी चलिए सर सेशन की शुरुआत करते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं सर सभी जुड़ रहे हैं फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं सर एक्चुअली काफी ट्रांसफार्मर की बहुत सारी चीजों को हमने अरेंज करने की कोशिश किया एक ट्रा, ट्रा, ट्रांसफार्मर बाय मिस्टेक मिस हो गया है सो so, फिलहाल तो मैंने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ये लाया है टूल्स के रूप में ओके एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर मैं प्रैक्टिकल का आने वाला हूँ जो कि आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा सो एक बार फटाफट जुड़ेंगे सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऐप पर पढ़ू या यहां पढ़ लू विशाल ऐप पर तो मेरा फुल्ली एनिमेटेड है और वहां भी और ये भी चीजें ज्यादा दिन आपको दिखेगा नहीं सो so, आप लोग यहाँ पे जो है क्लास रेगुलर वे में अटेंड कर लें लाइव क्लास अटेंड करें तो बेहतर होगा ओके okay, और ऐप पे तो हमारे लिए बेहतर है ऐप आप अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां पे बेहतर कंटेंट हर एक सब्जेक्ट का एनिमेटेड कोर्स दिया गया ओके okay, चलिए सर सर वीक में दो दिन प्रैक्टिस सेट कराइएगा ठीक है मैं बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट भी लाने वाला हूं ये थ्योरटिकल क्लास और इसमें न्यूमेरिकल भी चलेंगे और प्रैक्टिस भी होगा आपका ऐसा नहीं है कि इसमें थ्योरी थ्योरी करा दिया प्रैक्टिस नहीं कुछ नहीं ए टू जेड चलेगा इस मशीन के अंदर ए टू जेड ये दिमाग में आपके ओके सो चलिए सर इसकी चर्चा आप कर ले इनकी चर्चा आप कर ले चलिए बहुत बच्चे जुड़ गए जुड़ चुके हैं चलिए सर जेई लेवल का पढ़ाएंगे ना बिल्कुल जेई यही लेवल का चलेगा बेहतर लेवल का चलेगा सर कैसे हैं सर बहुत बढ़िया राजेश जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रीता ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नो चलिए सर सेशन की शुरुआत करते हैं मशीन एक ग्रंथ से मशीन एक ग्रंथ से मैं सेशन की शुरुआत करता हूं मशीन अगर मैं बात करूं तो मशीन के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं मशीन के अंदर सर बहुत सारे टॉपिक आते हैं लेकिन क्या है क्लासिफिकेशन एक बेहतर तरीके से मैं कर लेता हूं क्लासिफिकेशन ताकि वो आपके दिमाग में एक चीज और बताऊं सर मैं आप लोगों के साथ एक टेलीग्राम शेयर कर दूंगा लास्ट में एक टेलीग्राम शेयर कर दूंगा अपने इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का जिसमें आप जुड़ जाएंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ओके नौ चलिए सर अमाउंट मशीन अगर आपसे कोई कहता है सर मशीन के बारे में डिस्कस करने के लिए तो सबसे पहले मशीन की चर्चा में करूं मशीन की चर्चा में करूं सर मशीन की चर्चा करूं आइए सर सबसे पहले अगर मैं मशीन की बात करूं तो मशीन जो है क्लासीफाइड किए जाते हैं अभी कुछ नहीं करा रहा पहले बातों को समझिए एक एक चीज को एलिब्रेट करूंगा पहले समझना एक्चुअली क्या है सर अपने को जो मशीन करना है कहां जा रहे हैं क्या करना है सर मशीन को कुछ हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया है जो आपके लिए काफी सुटेबल रहेगा ये देखिए सर मशीन की अगर मैं बात करूं यहां से मशीन की मैं बात कर लू वेट अ सेकेंड तो मशीन की अगर मैं बात करूंगा सर तो पहला सेक्शन मैंने मशीन में लिया हुआ है पहला सेक्शन मैंने इस मशीन के अंदर लिया हुआ है जो कि क्या है सर ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट सेक्शन कौन सा हमारा ब्लैक स्क्रीन प्लीज ब्लैक क्यों व्हाइट नहीं क्लियर है क्या व्हाइट क्लियर नहीं क्या सर ऐसा एजुकेशन कोई नहीं दे रहा है एकदम प्रैक्टिकली बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली होगा सर ये गलती से मेरा सॉरी गलती से मेरा एक टूल्स रह गया ट्रांसफॉर्मर का अदरवाइज मैं बड़ा ट्रांसफॉर्मर लेके आऊंगा अभी बहुत सारी चीज इसके भी करके दिखाऊंगा सो so, आइए सर मैं बात करता हूं सबसे पहला है हमारा क्या ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर क्या होने वाला है सर दैट इज ट्रांसफॉर्मर ओके ट्रांसफॉर्मर जिसको मैं अभी पहले सेक्शन में कवर करने वाला हूं सर अगर दूसरा सेशन की बात करूं दूसरे सेक्शन की उसके बाद मशीन जो बांटे जाते हैं मेन पार्ट में दैट इज डीसी मशीन ओके अगर मैं कहूं तो डीसी मशीन इसके बाद हमारा चलेगा इज़ डीसी मशीन होगा होगा हमारा नेक्स्ट क्या सर डीसी मशीन का होगा सर इसके बाद अगर बात करूं मशीन को क्लासिफाई किस तरीके से किया मशीन को इसके बाद पढ़ना अपने इंडक्शन पढ़ेंगे इसके बाद अपन क्या करेंगे इंडक्शन मशीन ओके इंडक्शन मशीन के बारे में डिस्कस करना है नेक्स्ट हमारा रहेगा सेशन जो चलेगा वो इंडक्शन मशीन एकदम कमेंट छोड़ दे सर एकदम चीजों को समझे अब एकदम समझने की कोशिश करें क्योंकि मैंने क्लास की शुरुआत कर दी है एकदम बारीकी से देख रहा है कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सब चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड में ओके नौ नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं सर इसके बाद मैं बात करूं तो यही इंडक्शन के बाद जो मेरा सेशन होगा वो किसका होगा सर इंडक्शन के बाद होगा मेरा सिंक्रोनस मशीन का किसका होगा सर सिंक्रोनस मशीन उसमें मशीन मोनिटर जनरेटर दोनों आएंगे और इसके बाद की अगर बात करूं इसके बाद इस मशीन का जो क्लासिफिकेशन होगा दैट इज स्पेशल मशीन स्पेशल स्पेशल मशीन स्पेशल so, मशीन तो हमारा मशीन कुछ इस तरीके से एकदम क्लियर है जो, ओके ब्लैक स्क्रीन ठीक है अभी व्हाइट देख लो ब्लैक में क्या होता है चमकता है सर ब्लैक स्क्रीन करने पे ना ये चीजें चमकता है मैंने एक बार ट्राई किया था आ, ये देखिए ये देखिए ब्लैक स्क्रीन का क्या सीन होता है आप लोग भी देख ले ब्लैक स्क्रीन में कुछ चमकने लगता है इसलिए दिक्कत आती है गुड मॉर्निंग सर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई लाइव ओके okay. ये चमकने लगेगा सर आई होप क्या बताइए ब्लैक स्क्रीन सही है या व्हाइट स्क्रीन ही सही रहेगा ब्लैक स्क्रीन सही है या व्हाइट स्क्रीन सही रहेगा एक बार पता कमेंट करेंगे सभी एकदम धुआं धुआं कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट सही है सर ग्रीन सर ग्रीन बेकार हो जाएगा एकदम धुआं धुआ बोलिए ब्लैक सही है व्हाइट सही है सर ग्रीन कवर सर इतना बेहतर नहीं होता वाइट व्हाइट बिल्कुल वाइट में काफी बेहतर रहेगा सर व्हाइट में काफी बेहतर रहेगा व्हाइट में स्क्रीन काफी बेहतर रहता है बिल्कुल बिल्कुल सर व्हाइट व्हाइट चल ले दीजिए अब इसके पीछे देखो व्हाइट ब्लैक नहीं करना है सर व्हाइट ब्लैक में आपका टाइम खराब होता है।, है ना मैं इसीलिए कहता हूं मेरा जो को... हमेशा टारगेट होता है कि हम स्टडी को फोकस करेंगे ये व्हाइट ग्रीन में ज्यादा कंफ्यूजन कन, होने लगता है व्हाइट रहने दीजिए बेस्ट है बेस्ट है सर ओके? सर ओके अभी पहला टॉपिक हमने इस मशीन एक ग्रंथ के अंदर जो स्टार्ट कर रहा हूं मशीन एक ग्रंथ के अंदर जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एकदम बारी बारी से चलेंगे सर इसके अंदर पहला ही टॉपिक में डिस्कस करूंगा किसको सर ट्रांसफॉर्मर को किसको डिस्कस करना है अपने को ट्रांसफॉर्मर ओके गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कमेंट को एकदम होल्ड करिए कमेंट को होल्ड करिए अब सीखेंगे सर अब सीखने की कोशिश करेंगे सर फ्यूचर का वाइट करना है बिल्कुल 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 सर तो यहां पर फ्यूचर इट करना बिल्कुल बिल्कुल चलिए सर तो ट्रांसफॉर्मर हमारा पहला सेगमेंट होगा ट्रांसफॉर्मर हमारा पहला सेगमेंट होगा दूसरे सेगमेंट में स्टार्ट करने जाऊंगा मैं डीसी मशीन तीसरे में सेगमेंट में स्टार्ट करूंगा इंडक्शन चौथे सेगमेंट में स्टार्ट करूंगा सर मैं सिंकोनस पांचवें सेगमेंट में स्टार्ट करूंगा स्पेशल मशीन सो टोटल लगभग एक लेक्चर्स होंगे इस तरीके से हमारे और ये जो लेक्चर्स होंगे वो हमारे डेली चलेंगे क्या होंगे सर डेली चलेंगे Okay, टाइम लगाए बाद में शेयर कर लेना सर टाइम लगवाई को समझिए अब आप आइए सर यहां पे अगर ट्रांसफॉर्मर कहता है तो लेट्स स्टार्ट सर ट्रांसफॉर्मर मेरा टॉपिक स्टार्ट करता हूं अगर ट्रांसफॉर्मर कहता है तो कितने तरीके के ट्रांसफॉर्मर आप देखते हो अपने डेली लाइफ में कितने तरीके के ट्रांसफॉर्मर आप देखते हो डेली लाइफ में और अपन जो स्टडी करेंगे वो किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर होगा नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं अब चीजें हमारी शुरुआत हो चुकी है ओके आइए सर आइए मैं बात करूं तो सर ट्रांसफॉर्मर आपने अगर डेली लाइफ में देखा होगा तो कुछ ऐसा भी देखा होगा आपने अगर ट्रांसफार्मर देखा है कुछ डेली लाइफ में तो ऐसा ट्रांसफार्मर कहीं भी पोल पे खंबे पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो आपके गांव से आता है ओके कितने घंटे चलेंगे एक घंटा डेली चलेगा एक आवर सर टॉपिक खत्म होता है तो पैंतालीस मिनट में भी हो जाएगा और टॉपिक ना खत्म हो तो सवा घंटा डेढ़ घंटा भी चलेगा इसमें कोई गुरेज नहीं है प्रैक्टिस के लिए अलग सेशन मैं देने वाला हूं लाइव जल्दी ही ओके सो so, दूसरा ट्रांसफॉर्मर आपने ये बड़ा फ्रिक्वेंट देखा होगा टेप रिकॉर्डर हालांकि आज के रेट में सब चीज इतना पैक आने लगा कि अंदर के बहुत इक्विपमेंट को नहीं देखते पहले एक जमाना हुआ करता था जो लोग खोल खोल के चलाते थे टेप रिकॉर्डर या बहुत सारा चीज इक्विपमेंट दिखते थे है ना अब तो सब कुछ सील आने लगा अंदर में क्या है पता भी नहीं लगता सो ये ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूं ये क्या ये क्लास डिप्लोमा के लिए भी यूजफुल है क्यों नहीं सर डिप्लोमा लेवल का ही तो ये सिलेबस सब होता है डिप्लोमा अपन गेट की अब टॉपिक नहीं कवर कर रहे सर हाँ बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप गेट के लिए जाएंगे तो आप कहेगा कि 10 सर 10 परसेंट मुझे पढ़ना पड़ा और इतना बेहतर मेरा मशीन हो गया जैसे कि नेटवर्क कराया आप नेटवर्क देखिए मशीन सॉरी सर्किट एक सागर हमने कराया तिरानवे लेक्चर में ओके सो so, ये ट्रांसफॉर्मर ये देखिए सर ये वाला ट्रांसफॉर्मर है

कसन गजेल जी बोल रहे हैं हाँ, है सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बिल्कुल सर मोस्ट वेलकम आपका पाकिस्तान क्या मैं बता पाकिस्तान बता बांग्लादेश वेस्ट बंगाल इवन दुबई रहने वाला इंडिया का बट दुबई के बंदे भी देखते हैं वो कॉल करते रहते हैं तो वो चर्चा अलग है उनकी चर्चा करेंगे आगे लेकिन यहां बहुत सारी चर्चाओं को नहीं पहले पहली क्लास को बहुत इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं सर दूसरा आप अगर कभी ट्रांसफॉर्मर सर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है कैसा सर डिस्ट्रीब्यूशन है तो सर ट्रांसफॉर्मर पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कभी ऑयल खराब है में ले ले बड़ा देखने को मिलेगा खराब होते रहता है तो जे रिप्लेस करता है तो कभी खोलेगा ना सर उस ट्रांसफॉर्मर को तो आप देखना ट्रांसफॉर्मर कुछ ऐसा दिखेगा क्या दिखेगा सर ऐसा ट्रांसफॉर्मर आपको दिखेगा ओके सो ऐसा ट्रांसफॉर्मर वो निकाल निकालकर बाहर निकालता है अगर फॉल्ट हो गया तो इसको रिपेयर करता है अदरवाइज कई बार ऑयल बदलने की चांस होती है बहुत दिनों के बाद ट्रांसफॉर्मर के ऑयल जो होते हैं

वो प्रिंसिपल वर्किंग लग जाता है आगे बड़े वाले साइज में भी लेकिन हमेशा एप्लीकेशन जो वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल मोस्टली सारे जो ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट इफिशियंसी लॉस सारे इसी टाइप के ट्रांसफॉर्मर को करना है तो इसको दिमाग में रखना है सर यही वाला ट्रांसफॉर्मर है वो यही वाला वो ट्रांसफॉर्म और थैंक यू 92 टू लाइव गए हैं हमारे लिए सो बहुत बढ़िया सर आप लोग जितने जुड़ेंगे उतने हमारे लिए क्या होता है एनर्जी आता है मैं पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा एक भी बच्चे के डॉट नहीं रहने दूंगा पूरे मशीन के अंदर आइए सर आइए मिसाइल मिस्टेक से गिरा पाकिस्तान ओके डोंट वरी नो सर अब मैं बात करूं बस ट्रांसफॉर्मर अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो किसी को ये वाला भी दिमाग में आता है अभी इसको याद नहीं रखना सर के, के ट्रांसफॉर्मर को पढ़ते जो एक हॉलीवुड का मूवी था ये आपके दिमाग में आता है है नो ठीक वो मूवी तक रहने देते अपन ट्रांसफॉर्मर की, की चर्चा ये सारे ट्रांसफॉर्मर होंगे जिससे अपन इंचो को डिटेल में देखेंगे डेप्थ में देखेंगे So, ये हमारा टारगेट रहेगा सर इस ट्रांसफॉर्मर को करने का और एक बार अगेन मशीन इतने सेक्शन में बटे इस सेक्शन में पहला सेक्शन मैंने किसका उठाया सर मशीन ट्रांसफॉर्मर का उठाया है पहला सेक्शन किसको उठाया ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्मर कुछ इस तरीके से दिखेगा अब यह है कि ट्रांसफॉर्मर सर शुरू कर दीजिए ओके okay? अब ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या दिखेगा सर ट्रांसफॉर्मर में जो ट्रांसफॉर्मर की आप बात करते हो सर ट्रांसफॉर्मर में पढ़ना क्या क्या है एकदम बारीकी से चलेंगे सर ट्रांसफॉर्मर में सर पढ़ना क्या क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा प्ले करेगा आपकी एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा इसके सिलेबस है क्या सो इसमें पढ़ना क्या है इसमें पढ़ना क्या है आइए सर इसमें पढ़ना क्या है पहला सबसे पहले अगर ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता हो तो इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अच्छे से इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा किसका ट्रांसफॉर्मर क्या है कैसे काम करता है किस तरीके इसका यूज है और क्या क्या एग्जाम में इससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे चीजों की चर्चा होगी यानी इसके अबाउट की चर्चा करेंगे अबाउट ऑफ ट्रांसफॉर्मर दूसरा सेक्शन ट्रांसफॉर्मर में अगर सबसे पहले रोकेगा आपको ब्रेक करेगा दैट इज दैट इज विच आप कह सकते हो मैग्नेटिक सर्किट आपको क्या पता होना चाहिए सर मैग्नेटिक सर्किट पता होना चाहिए मैग्नेटिक सर्किट जिसमें बहुत सारा चीज आता है जिसमें बहुत सारा चीज आ जाता है सर अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या आ जाता है अगर इसको मैं कहूं सर इसमें आपको जानना पड़ेगा फ्लक्स को सर इसमें जानना पड़ेगा आपको रिलक्टेंस को सर इसमें जानना पड़ेगा परमिएबिलिटी को परमिएबिलिटी को ओके सर इसमें जानना पड़ेगा आपको एमएमएफ को सर इसमें जानना पड़ेगा आपको बीएच कर्व को सर इसमें जानना पड़ेगा आपको टाइप्स ऑफ मटेरियल को टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन सा सर डाया जैसे पारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इन सारे चीजों के बारे में आपको चर्चाएं होनी चाहिए इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल है ना ये सारा मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट होता है जिसके बारे में आप जानकारी रखोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है तो ये बेसिक थॉट्स है जो आपको इस सर्किट में आना चाहिए और बहुत सारा है परमियंस क्या होता है परमियंस Parme, के बाद होता है आपका रिलकटिविटी क्या होता है है ना सो so ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए थर्ड वन पॉइंट में जिक्र करूंगा यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए सर आपका थर्ड पॉइंट इस ट्रांसफॉर्मर में इसको पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर ओके नाउ सर और क्या पढ़ना इसके अंदर सर इसके कंस्ट्रक्शन के बाद आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन के बाद इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सर पूरा वर्किंग हो जाएगा जब नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड इट्स मटेरियल प्रॉपर्टीज ओके ये टर्म देखने पड़ेंगे नेक्स्ट पांचवा में क्या देखूंगा सर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट क्या देखना पड़ेगा सर आपको यहां पे इसके बाद इसमें और भी चीजें देखनी पड़ेगी जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन इन डिफरेंट डिफरेंट लोड्स इन चू को भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा फिर से क्या सर मैग्नेटिक सर्किट फिर से करे क्या नहीं आपको रेडी कर रहा है मैग्नेटिक सर्किट ओके नौ यहां पर मैं बात करूं वोल्टेज सर आपको पढ़ना पड़ेगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर से पहले मैं बताता हूं सर ओपन सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट का डिस्कशन करना पड़ेगा ओके okay. नौ सर आपको पढ़ना पड़ेगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर सर आपको पढ़ना पड़ेगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर सर आपको पढ़ना पड़ेगा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर सर आपको पढ़ना पड़ेगा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर सर आपको कई बार ये भी देखना पड़ता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर ओके okay, सो so, ट्रांसफार्मर के ये कुछ ऐसे टॉपिक है सर मैं तो आता है मत करो नहीं आता तो कर लेना ओके चलिए सर चलिए ओके सो so, ये ऐसे टॉपिक्स है ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको कवर करना पड़ेगा ओके सर अब यहां पे याद रखें मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट कैसे करें सर मैं ऐड कर दूंगा मशीन एक ग्रंथ में लेक्चर नंबर चाहे आपको टोटल वहाँ पे सेवन लेक्चर सिक्स या सेवन लेक्चर होंगे सिक्स या सेवन लेक्चर होगा जिसमें आप मैग्नेटिक सर्किट को बढ़िया से करेंगे सिक्स या सेवन लेक्चर मैग्नेटिक सर्किट का आपको बढ़िया से करना पड़ेगा मैं सर ट्रांसफॉर्मर के प्रकार भी पढ़ाना टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं होगा बिल्कुल होगा सर ये इंट्रोडक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड टाइप ये सब एड्स टाइप एकदम होगा सर हर टॉपिक को नहीं लिख सकता ना ट्रांसफॉर्मर अपने आप में कम से कम तीस घंटे का लेक्चर चलेगा सो हर लेक्चर को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हर टॉपिक को नहीं लिख सकता बहुत सारे सब टॉपिक इसके अंदर आ जाएंगे ओके चलिए सर चलिए नो सो ये सब है जो आपको स्टार्ट सबसे पहले इसमें क्या स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को सर इंट्रोडक्शन सबसे पहले इंट्रोडक्शन सो ये सारी चीजें आपको होली के छुट्टी में इन चीजों को कवर करना है याद रहे इन सारे चीजों को सर आपको कवर करना है बहुत बारीकी से हमने वीडियो इसके बना रखे हैं इसके लिए आप लोग लगातार रहोगे ओके सर टीटी ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मर भी ओके नौ सब चीजें चर्चा होगी सर और ये इस तरीके से है जो आपको कवर अप करने होंगे ओके थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक अलग ही है इसके बारे में ज्यादा ज्यादा डिस्कस करना ही पड़ेगा ऑटो तो ट्रांसफार्मर भी बिल्कुल डिफरेंट है बाकी ट्रांसफार्मर से सो इन सारी चीजों की भी चर्चा होंगी वेल्डिंग ऑल्सो ये भी डिफरेंट है

देश राम जी बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश होगी ओके मेरी पूरी कोशिश होगी कि पूरे ट्रांसफॉर्मर को कराए सर अब चलते हैं बेसिक सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन या अबाउट ट्रांसफॉर्मर को हम बहुत अच्छे से करने वाले एकदम सर जीरो से सर एक बार बताएंगे आप लोग कमेंट करेंगे सर क्या एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है या फिर ट्रांसफॉर्मर वाले लेवल से स्टार्ट करना है कि अपन जानते हैं कितने बच्चे ये बोलेंगे सर बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक लेवल से जीरो से बढ़ेंगे सर बिल्कुल जीरो से सो so, आप लोग इन चीज का ध्यान रखना सर बिल्कुल से बेसिक से बेसिक स्टार्ट करेंगे पहला इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर को इंट्रोड्यूस करिए सर को क्या कहता है इंट्रोड्यूस करिए तो कहेंगे बिल्कुल सर मैं इसको कर इंट्रोड्यूस करने में क्या जाता है मेरा है ना बिल्कुल transformer को सिंपल लैंग्वेज में में सर इसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा आइए सर जीरो टू हीरो बिल्कुल जीरो टू हीरो जीरो टू हीरो चल रहा है बिल्कुल सर एक ट्रांसफॉर्मर से सीखिए बड़ा ट्रांसफॉर्मर मिस्टेक हुआ एक तार तो मेरा इसका टूट गया है है ना सर ट्रांसफॉर्मर ये देखिए सर अगर मैं यहां अगर आप लोग को विजुअलाइज होता होगा बड़ा सिंपल है कि इधर से एक इनकमिंग आ रहा है तो इधर से आउट गोइंग आ रहा है वायर आपको नो डॉट एक ही दिख रहा है एक टूट गया यहां से एक वायर टूट गया है ओके सो ये ट्रांसफॉर्मर है इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है मैं बताऊं डायरेक्टली नहीं जोड़ा जबकि जितना, जितना पावर यहां पावर होता है ट्रांसफॉर्मर उतना ही पे होता है ध्यान समझिए के अंदर जितना पावर होगा मामला मामला बस बस का 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 होता होता है है लेकिन यह बीच में ऐसा क्यों बीच में ऐसा क्यों सर ये इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होता है किसमें सर मैग्नेटिक सर्किट में ये जो बनाया मैग्नेटिक सर्किट और फिर इलेक्ट्रिक सर्किट तो फिर सर जब यही पावर यहां पे मिलना था तो इसमें बीच में क्यों रखने की जरूरत पड़ी इस ट्रांसफोर्टर को लाने की जरूरत सर यही एक ऐसा है इलेक्ट्रिकल को ये ये बॉडी जो है किसमें कन्वर्ट करता है सर मैग्नेटिक सर्किट में और फिर मैग्नेटिक को किसमें कन्वर्ट कर देता है सर इलेक्ट्रिक सर्किट में मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कन्वर्टेड इंटू मैगने मैग्नेटिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट कन्वर्टेड इंटू अगेन इलेक्ट्रिक सर्किट तो इससे क्या होता है इससे ये होता है कि वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड अपन चेंज कर पाते हैं एज पर टर्न रेशियो एज पर टर्न रेशियो ओके चलिए सर 99 कर दिया आप लोगों ने बहुत बढ़िया सर क्योंकि जितना आपकी प्रेजेंस होगी हम उतने ही बेहतर तरीके से जाएंगे अब यहां पे देखे थोड़ा सा इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर सर ये वाइंडिंग है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर मैं एक का एक पत्ती भी निकाल कर दिखाता हूं क्लियरिटी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ये देखिए ये बनता है सेक्शन ऑफ ये आप कह सकते हो पतले पतले पत्तियों का मिलके बना है। ये क्या है सर पतले पतले पत्तियों का मिलके बना हुआ है कौन सर ट्रांसफॉर्मर क्या है सर पतले पतले पत्तियों का मिलके बना है और ये देखिए ये देखिए सो so, पहले बेसिक अबाउट ट्रांसफॉर्मर बात बात कर लू व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस व्हिच डिवाइस इज अ स्टैटिक डिवाइस ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस व्हिच डिवाइस इज अ स्टैटिक डिवाइस आप कह सकते इसको। transformer हो इसको चलिए ट्रांसफॉर्मर ये हमेशा रखा रहेगा जहां भी होगा इज अ स्टैटिक इज अ स्टैटिक device that transfer that transferred electrical energy that transfer electrical energy from from one circuit to another, सर्किट एक सर्किट से अनदर सर्किट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एट अ कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी ओके आइए सर सर एकदम बारीकी से कहता हूं कहता हूं कि ट्रांसफॉर्मर क्या है सर एक, एक स्टैटिक डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर क्या है सर एक स्टैटिक डिवाइस है क्या है सर एक स्टैटिक डिवाइस है बट ये जहां भी रहेगा स्थिर रहेगा चाहे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की बात करें ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करें या फिर कहीं भी जहां भी होगा ये स्थिर होगा दैट्स वायर स्टेट

ये में तब्दील हुआ मैग्नेटिक एनर्जी किस में मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर हम अहमदाबाद से देख रहे हैं ओके okay, बहुत बढ़िया सर 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 स्टेटिक डिवाइस होता है बिल्कुल बिल्कुल सर यूज ही लिख दो सर हार्ड जो हार्ड हो सिर्फ यूज ही लिख दो, ओके कोई बात नहीं है ना ठीक है चलिए मैं कमेंट भी बीच भी बीच में आप लोगों का देख लूंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है स्टेटिक डिवाइस होता है विद ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट किससे सर एक सर्किट से एक सर्किट कहते तो वाला सर्किट एक साइड का सर्किट टू अनदर सर्किट टू अनदर सर्किट देखिए मतलब मतलब इस का, इस का में at a constant frequency. Constant frequency है कि अगर ट्रांसफॉर्मर को सर अगर आपने को 50 हर्ड सप्लाई से यहां पे जोड़ रखा है तो श्योर सेकेंडरी साइड जो वेब मिलेगा आपको एसी का वो भी कितना होगा सर 50 हर्जी होगा वो भी कितना होगा सर 50 हर्जी होगा मतलब अगर इनपुट साइड हम सप्लाई घरों में देते हैं 50 हर्ष तो यहां भी मिलेगा 50 हर्ष एक और एग्जांपल वेलकम सर 101 101 बच्चे लाइव इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे एक सौ एक बच्चे लाए मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उसी तरीके से आउटपुट ताकि आप लोग लगातार जुड़े और आप लोग भी इस चीज को मेंटेन रखेंगे सर ये जो चार्जर है, ये जो जो चार्जर 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 है है इस इस में अगर मैं बात करूं इस चार्जर में इनपुट 220 मिलता आपके घर से प्लग से डायरेक्ट जोड़ती हो इसके अंदर क्या है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर जो डीसी में कन्वर्ट करेगा सो पहले वोल्टेज लेवल को कम करेंगे देन रेक्टिफाई होगा ये और रेक्टिफाई होकर आपको ये मिलेगा ओके लेकिन रेक्टिफाई करके तो डीसी में जीरो। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर जहां का इस्तेमाल किया गया होगा और इस ट्रांसफॉर्मर सेक्शन के बाद अपन यूज किए होंगे सर क्या, क्या यूज किया गया होगा सर रेक्टिफायमर तो, को इनपुट दिया हमने 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी घरों में हमारे कितने आ रहे सर हर्ट्ज सर फ्रीक्वेंसी के बारे में सर डेली कॉल होती है बिल्कुल डेली कॉल होती है ओके okay? सो so,

एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है एट ए कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी दैट्स वाई कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी को कभी नहीं छोड़ना है यह हमेशा रखना है. मतलब वोल्टेज करंट का वैल्यू चेंज कर सकता है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी को एकदम दिमाग में रखिए पकड़ के रखना फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो ट्रांसफोर्ट का साइज बदल जाता है सर अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया वेट अ सेकेंड फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो गया तो ट्रांसफोर्ट का साइज बदल जाता है इतना इफेक्टिव होता है कमेंट मत देखिए क्लास डिस्टर्ब होता है बिल्कुल जी बिल्कुल तो चलिए दिस इज ऑल अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कि ये चीज होता है अब सबसे पहली बात कि सर क्या बेसिक फैक्ट्स में लिख देता हूं क्या ट्रांसफॉर्मर सर एसी पे काम करता है जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर एसी पे काम करता है क्या ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम करता है जी बिल्कुल नहीं ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम नहीं करता अब ये सब अभी बेसिक फैक्ट्स में मैं एक एक पॉइंट लिख दूंगा क्योंकि इनके कंक्लूजन बाद में आएंगे जब ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगा वर्किंग चलेगा तब पता चलेगा कि ये एसी पे ही काम करता है डीसी पे क्यों नहीं ओके तो इनके पॉइंट्स में लिखना शुरू करता हूं सर इनके पॉइंट्स में लिखना शुरू कर देता हूं की पॉइंट्स ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन एसी किस पे काम करता है सर एसी सी वनली मतलब अल्टरनेटिंग नेचर होना चाहिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है ट्रांसफॉर्मर सर आइए बारीकी से सीखते हैं बेसिक फैक्ट सारा लिख देते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कहता है ये सिर्फ एसी पे काम करता है बाकी वर्किंग में बताएंगे क्यों ऐसा होता है रिएक्टेंस वगैरह किससे रिलेट करके ओके ना दूसरी बात ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है सर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फेराडिज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन फेराडिस लॉ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन सर अभी भी किसी बच्चे को अगर ये कंफ्यूजन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेराडे तो दिया है लॉ बट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं सर मैग्नेटिक सिग्नल मैग्नेटिक सर्किट है ना मैग्नेटिक लाइंस में ओके सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बात मैं अगर करूं यहां पे तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो सर इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक सर्किट में मतलब यहां करंट था लेकिन ये करंट इसी कॉइल में जाके लौट जाता है क्या इस परिपथ में करंट कभी जाता है कभी नहीं जाता क्यों क्योंकि ये आयरन कोर है सर क्या है ये आयरन का कोर होता है जो सिलीकन एस आई स्टील का बना होता है तो कोई कहेगा सर लोहा है लोहा अगर है तो ये तो इससे करंट जाता होगा सर ऐसा नहीं है सारे लेमिनेटेड होते हैं सारे क्या होते हैं लेमिनेटेड अब मैं बताऊं सर ये जो क्वाइल आपको दिख रहा है ना ये देखिएगा सर ये जो क्वाइल दिख रहा है इस क्वाइल के अंदर इस क्वाइल के अंदर जितने भी वाइंडिंग्स होंगे उस वाइंडिंग का सॉरी मैंने इमेज नहीं लिया सो वो एक इमेज दिखाता जो जितने भी वाइंडिंग है ना वो ऑलरेडी कॉपर के सारे वाइंडिंग इंसुलेटेड होते हैं मतलब की मतलब मामला यहाँ पे साफ करिए सर जो भी वाइंडिंग ये कॉपर की तार है ये कॉपर की वायर है ठीक है कॉपर की वायर है नॉर्मली अपन इस पर कोई कवर नहीं चढ़ाते लेकिन ये वाला तार कॉपर की बात करें तो इस इसमें पीवीसी की वायर चढ़ाते लेकिन जो वाइंडिंग होने वाला वायर होता है जो वाइंडिंग होने वाला कॉपर का वायर होता है कॉपर वायर किसका वाइंडिंग होने वायर? वाला ध्यान से समझिए जो वाइंडिंग वाला कॉपर वायर होता है उसके ऊपर थीन लेयर किसके चढ़े होते हैं सर वार्निश के या कुछ ऐसे एलिमेंट के जो इसमें क्या हो होता है इंसुलेशन होते हैं क्या होते हैं इंसुलेशन ओके मगर इस तार इसका मतलब यह है कि अगर इस तार को लपेट लिया जाए अगर इस तार को लपेट दिया जाए जो कि वाइंडिंग कहलाता है तो वाइंडिंग कहलाता है तो इसके ऊपर इंसुलेशन रहेंगे इसके ऊपर क्या होंगे इंसुलेशन रहेंगे तो वायर आपस में शॉर्ट नहीं होता सर कोई भी वायर ऐसा मत समझ लेना क्या ये शॉर्ट हो जाता है सर शॉर्ट नहीं होता ये शॉर्ट नहीं होता सारे वायर सेपरेट होते हैं सारे वायर सेपरेट होते हैं चाहे उसमें क्वायल की गुच्छा क्यों ना लगा दे ये वायर अलग ही होते हैं जो डिजाइन कराए जाते हैं इस तरीके से कि शॉर्ट ना करें यानी इस पे इंसुलेशन होते हैं इसपे क्या होते हैं इंसुलेशन तो कभी गलती से आप ये मत समझ लेना क्विक इस पर क्या किया करंट दिया तो ये वाइंडिंग में जुड़ा और ये लोहा में करंट होगा नहीं इसमें मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट करता है लोहे पे क्या करेगा मैग्नेटिक सर्किट वो सारी जानकारी तुम्हें दूंगा ही ही पहले बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं ओके okay. सो so, क्या मामला है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल सॉरी मैग्नेटिक सर्किट ओके नाउ तो ये और भी एक चीजों पे काम करता है कई बार एग्जाम में आपसे बार में आपसे पूछता है वर्क ऑन द फ्राइडे लॉफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन केवल म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है सर म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन म्यूचुअल इंडक्शन अब कोई बच्चा कहेगा सर म्यूचुअल इंडक्शन क्या हुआ इंडक्शन हालांकि मैग्नेटिक सर्किट हमने सर्किट थ्योरी में पढ़ा था म्यूचुअल क्या होता है सर कहता है कि ट्रांसफॉर्मर अगर है ये अगर ट्रांसफॉर्मर है और इसके अंदर अगर आपने वाइंडिंग कर रखा है और यहाँ भी वाइंडिंग कर रखा है तो ये जो फ्लक्स यहाँ से रिलीज करेगा ओके ये जो फ्लक्स यहाँ से क्योंकि कि किसी भी वाइंडिंग में आप अगर करंट सप्लाई दोगे तो ऑब्वियसली एक काम तो श्योर होगा कि यहां से फ्लक्स निकलेगा क्या होगा सर फ्लक्स निकलेगा सो so, यही बात यहां भी होता है यहां से क्या निकलता है सर एक फ्लक्स निकलता है क्या निकलता है सर फ्लक्स निकलता है और इस लूप को क्या करता है सर्कुलेट करता है इस लूप को सर्कुलेट करता है सो so, ये वाइंडिंग वन और ये वाइंडिंग टू इन दोनों से लिंक्ड होता है ये फ्लक्स क्या होता है सर लिंक्ड फ्लक्स होता है इसी फ्लक्स को बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स इसी को क्या बोलते हैं सर म्यूचुअल फ्लक्स इसी को बोलते हैं सर फ्लक्स ह्यूमन बॉडी में क्या इफेक्ट करता है <laughs> कुछ नहीं आपको झुनझुनाहट से ही महसूस होगी है ना झुनझुनाहट बाकी फ्लक्स का इंपैक्ट इतना नहीं होता है ना चलिए नाउ अगर मैं बात करूं तो सर क्या होगा यहां से करंट गया तो फ्लक्स उत्पन्न हुआ और फ्लक्स ये मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट है आपको ध्यान रखना है चीज़ों को ओके सो जितना होगा थोड़ा बहुत मैं इसमें फिर भी करा दूंगा मैग्नेटिक सर्किट लेकिन आपको मैग्नेटिक सर्किट मैंने जैसे बोला सर आपको मैग्नेटिक सर्किट एक से सात लेक्चर छः से सात लेक्चर में कवर होगा पर यह एक से सात कर देता हूं एक से सात लेक्चर जो भी होगा उसको मैग्नेटिक सर्किट आपको अच्छे से कर लेना है सर मैग्नेटिक सर्किट आपको अच्छे से कर लेना है इसका ध्यान रहे सो so, आइए सर अब बात किया हमने कि ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आल्सो एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कोई पूछ ले सर ट्रांसफॉर्मर क्या होता प्रोसेस इलेक्ट्रिकल देन मैग्नेटिक सर्किट देन फिर इलेक्ट्रिकल ओके चलिए अब एक मामला है कि ट्रांसफॉर्मर का एक्चुअली यूज क्या होता है किस तरीके से इसके एप्लीकेशन की जाते उनकी चर्चा एक बार हो जाए उनकी चर्चा एक बार हो जाए अब देखिएगा बेसिकली होता है क्या किसी भी ट्रांसफॉर्मर में एक्चुअल में होता क्या ये है ये ट्रांसफॉर्मर चलो ठीक है सिंगल फेज है थ्री फेज है ऑटो ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर है आप नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है लेकिन ये एक्चुअल क्या करता है एक्चुअल व्हाट इज ये क्या कह सकते हैं इसका क्या वर्किंग है क्या एक्चुअल कोई ट्रांसफर कर सकता है आइए सर देखते हैं इसके बारे में वेट अ सेकेंड आइए सर अगर मैं डिस्कस करूं यहां पे तो ट्रांसफॉर्मर की स्पे क्या होगी वाइंडिंग होगी और यहां से इसको रिलीज कर लिया जाएगा सब चीज सीखेंगे अभी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट की हो सकते हैं वो मैं करा देता हूं इसमें ऐड कर दूंगा मैग्नेटिक सर्किट जो है एक से सात लेक्चर यानी तेरासी से लेके लगभग सॉरी सेवेंटी एट से लेके तेरासी चौरासी तक होगा सर्किट एक सागर में या फिर मैं इसको मशीन ग्रंथ में ऐड कर दूंगा ओके डोंट वरी ना मैं बात कर लेता हूं सर इसमें होता क्या एक्चुअली आगे अभी चर्चा करता हूं ट्रांसफॉर्मर क्या कहता है कि ट्रांसफॉर्मर में जो पावर है अगर यहां पीवन बोलता हूं और ये मान लो नाम देता हूँ पी टू तो ट्रांसफॉर्मर में पावर हमेशा नियत होता है कांस्टेंट मतलब जितना पावर आप दोगे पी वन में और पी टू साइड जो मिलेगा वो हमेशा क्या होगा नियत होगा वो हमेशा क्या होगा नियत होगा इनका ख्याल है ट्रांसफॉर्मर में पावर पी वन और पी टू हमेशा क्या होगा नियत होगा एकदम क्लास सर जो बोल्ड है ना सर रेगुलर भी होगा और पूरा 125 लेक्चर से कम क्लास नहीं होगा अगर समझिएगा समझिएगा तो होता क्या पावर वही मिला अगर P1 दिया P2 मिला तो यहां पे क्या होता है बेसिक थॉट्स में समझिए हम इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे जो नॉर्मल एक साइंस का बच्चा भी तैयार कर सकता है उस क्वेश्चन को उस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे और यहां पर I1 होता है तो यहां जो मिलता है आपको I2 टू सेकेंडरी साइड का करंट और ये जो वोल्टेज V2 होता है तो कहता है यहां करंट चाहे वोल्टेज अप डाउन कर लो लेकिन दोनों का गुणनफल होगा P1 तो यहां भी दोनों का गुणनफल अगर P2 हमेशा बराबर ऑलवेज इक्वल होंगे ऐसा नहीं है कि यहां दिए 10 यहां मिला 25 पावर ऐसा नहीं है पावर ऑलवेज इक्वल होगा ओके सो पावर ऑलवेज इक्वल होगा तो आप अगर कह सकते हो यहां पर यहां पे एक चीज कह सकते हो कि P1 बराबर अगर P2 है तो सर अगर मैं यूनिटी पावर फैक्टर ले लू फिलहाल यूनिटी पावर फैक्टर कॉस phi यूनिटी सो इसको एक चीज कह सकता हूं सर V1 और I1 का गुणनफल किसके बराबर होगा सर V2 और I2 का तो एक्चुअली मामला कर क्या रहे ट्रांसफॉर्मर कर क्या रहे समझिएगा भाई जब भी फर्स्ट वाइंडिंग सप्लाई होता है तो अपनी बात चल रही है चार्जर होगा सो ये काम क्या किया होगा दो वोल्ट लिया इधर कितना दिया पांच वोल्ट कितना दिया सर पांच इसमें मत समझना अंदर की बात क्योंकि इस वार्ड में तो डीसी मिल रहा है बीच में रेक्टिफायर यूज कर लिया गया होगा ओके सो अगर दो दिया तो उधर कितना मिल रहा है पांच इसका मतलब इधर करंट बहुत कम लिया होगा उधर वोल्टेज घटाए तो करंट को बहुत बढ़ा दिया होगा यही होता है मेन सिग्निफिकेंस किसी ट्रांसफॉर्म में अगर आपका वोल्टेज इस साइड बहुत ज्यादा है ये देखिएगा सर आपका अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसका करंट कम रहा होगा और जब सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम हो गया है तो उसका करंट रहा होगा ज्यादा तभी तो ये बराबर होगा क्योंकि पावर को हमेशा क्या हो जाना है कांस्टेंट नियत दोनों साइड क्या होना है नियत एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके कहता हूं समझिएगा अगर कोई कहता है यहां पर एकदम ध्यान से समझिए सर, एकदम से कोई कहता है यहां पे वोल्टेज मैंने लिया 200, ओके वोल्टेज लिया 200, ओके नीचे कर देता लिया दो वोल्ट और करेंट लिया पच्चीस एम्पियर कितना लिया सर पच्चीस एम्पियर तो सेकेंडरी सेट अगर आपको यह जरूरत है बैटरी नहीं किसी और चीज को ही चार्ज करना है या कुछ भी या कम वोल्टेज करना है तो सेकेंडरी सेट कहता है कि अगर आपकी नीड है सेकेंडरी सेट नीड है कितना सर आपको मान लो मैं कहता हूं पच्चीस वोल्ट यहां पर कितना दो सौ वोल्ट ना तो यहां मैं कहता हूं सेकेंडरी सेट आपको सपोज दैट नीड है पचास वोल्ट कितना सर पचास वोल्ट है ना सेकेंडरी साइड 50 वोल्ट तो टर्नों की संख्या घट जाएगी ये सब की जानकारी आगे आपको दिखेगा सो अगर 50 वोल्ट चाहिए तो देखिए यहां दोनों का पावर मिलके कितना हुआ है सर 25 गुना दो मैं अगर बात करूं तो 25 दूनी 50 और ये डबल जीरो ओके इतना आपका क्या हो गया वोल्ट एम्पियर की बात कर रहा हूं मतलब पांच के हो गया पांच के वी अगर यहां आपको वोल्टेज इतना है तो पावर इससे दिमाग रखिएगा पावर आप यहां से भी ले सकते हैं कि टोटल ट्रांसफॉर्मर का पावर यहां अगर पांच के वी है तो यहां भी कितना मिलेगा आपको फाइव के वीए कितना मिलेगा फाइव के बी ए और यहां भी कितना फाइव के वीए ही है इसका मतलब वोल्टेज अगर इतना हुआ तो करंट को बेचारा को अपने आप बढ़ना पड़ जाएगा क्योंकि वोल्टेज आपने घटा दिया है पावर कॉन्स्टेंट रहेगा तो करंट बेचारे को बढ़ना पड़ेगा ओके है ना तो करंट को बढ़ना पड़ेगा तो करंट कितने गुने से बढ़ जाएगा सर आप बताइए अगर वोल्टेज चार गुने से कम हुआ है तो करंट को कितना गुना से बढ़ना पड़ेगा सर चार गुने से बढ़ जाना पड़ेगा तब पांच के वी आएगा मतलब कि अगर ये पच्चीस एम्पियर है तो इसको चार गुना से बढ़ाइए ये कितना हो जाएगा सर एक सौ एम्पियर तब दोनों मिला के पी टू अगर निकालूंगा तो एक सौ और गुना पचास बराबर होगा फिफ्टी हंड थाउजेंड थौस, के वी ए सॉरी वोल्ट एम्पियर जिसको कहेंगे 5 के फाइव केवीए जिसको क्या बोलेंगे सर फाइव के वी ओके आगे मैं ये भी बताऊंगा ऑब्जेक्टिव में कि की रेटिंग हमेशा होती है अभी चूंकि स्टार्ट है हर चीज नहीं कह सकता अभी शॉर्ट में एक लाइन लिख सकता हूं मैं ट्रांसफॉर्मर रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज डन इन केवीए यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूं अगर यहां से दिख रहा होगा आप लोग को तो इतना नीचे नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा सो एक पॉइंट में लिख देता हूं यहां पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछ लेता है रेटिंग ये आगे पढ़ाऊंगा मैं रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज डन इन के वी ए किलो वोल्ट एम्पियर के वी ए किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर ओके सो so, ये सारी जानकारी तो आपको होनी चाहिए सो so, क्या हुआ पावर हमेशा क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में सेम होता है सो so, पावर अगर सेम होता है ट्रांसफॉर्मर में तो ट्रांसफॉर्मर का मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है वोल्टेज को घटाना या फिर वोल्टेज को बढ़ाना मेन मेन जो होता है ट्रांसफॉर्मर का वो होता है वोल्टेज को घटाना और वोल्टेज को बढ़ाना वो बात अलग है कहीं कहीं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं आइसोलेशन का मतलब हो गया सर टर्न सेम रख के जितना वोल्टेज दिया उतना ही लिया आगे पढ़ोगे तो कहोगे सर बेनिफिट क्या हुआ ट्रांसफॉर्मर लगा जितना दिया उतना ही लिया सो so, आपको यहां पे बेनिफिट दिखेगा क्योंकि वहां फॉल्ट से बचने के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करने के लिए हम ऐसा करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं सो आई होप एक जानकारी मिली कि पावर हमेशा ट्रांसफॉर्मर का सेम होता है इसमें कोई प्राइमरी और कोई सेकेंडरी नहीं अगर ये फाइव के बी ए का है तो फाइव के बी ए की ट्रांसफॉर्मर होगी इसमें प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड कुछ नहीं होता यहां से फ्लक्स जा रहा होगा और ये इससे होके गुजर रहा होगा ओके okay? ये इससे होके इस तरीके से, हो से फ्लक्स लूप बना लेता है ओके सो दिस बेसिक फैक्ट तो ट्रांसफॉर्मर का मेन पर्पस क्या है स्टेप अप स्टेप डाउन ऑफ वोल्टेज द मेन पर्पस द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मर मैं लिख सकता हूं यहां पे अनदर मेन पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मर मेन पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू स्टेप अप टू स्टेप अप एंड डाउन दोल्टेज मतलब मेन पर्पज में यानी ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज बड़ा हो सेकेंडरी साइड से या फिर ऐसा हो सकता है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बड़ा हो से। सो so, ये जनरल कंडीशन है। सर मैं उड़ीसा से हूं अभी सर्किट कंप्लीट कर रहा हूं यूट्यूब पर फिर परचेज करूंगा कोर्स ओके पढ़िए सर कोर्स तो मेरा अल्टीमेट बना है इंडिया में कोई आ, क्या बोलूं ये सब बोलना ठीक नहीं लगता मुझे सर ऐसा कंटेंट मैं गारंटी के साथ कहता हूं एनिमेटेड और पिक्चर की सहायता से उस रनिंग वीडियो में बताना किसी की कि ये आम बात नहीं है उस तरीके से मैंने एडजस्ट किया हूँ आप कभी ऐप विजिट करिएगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का आपको पता चलेगा नो no, अगेन मैं बोलता हूँ चलिए सर ये जो बात होती है जब कोई वोल्टेज वी वन ज़्यादा बड़ा हो और वी टू कम हो मतलब कि आप ये समझिए सर एक सेकेंड की बात यहां पे है एक सेकंड की बात है अगर किसी ट्रांसफार्मर में बहुत बच्चा एक चीज और में कंफ्यूज होता है पहले में बताओ कहता है सर प्राइमरी क्या होता है सेकेंडरी क्या होता है पहले आप ये भी देखिए बेसिक चीज बताता हूं देखिए सर प्राइमरी क्या होता है कहते हैं कि जहां पे आप सप्लाई दोगे ना ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि हमेशा सा लेफ्ट साइड प्राइमरी होगा सेकेंडरी राइट साइड से होगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर जहां पे आप सप्लाई देते हो उसी को साइड को हमेशा सा बोला जाता है प्राइमरी उसी साइड को हमेशा बोला जाता है प्राइमरी साइड प्राइमरी वाइंडिंग और जहां पे आप किसको कनेक्ट करोगे सर लोड को कनेक्ट करोगे उस वाइंडिंग को ही हमेशा बोला जाता है सेकेंडरी ये दिमाग में रहे सेकेंडरी साइड ओके अगर आपको जी करता है कि नहीं सप्लाई इधर से दे दूं तो कोई बात नहीं ये हो जाएगा प्राइमरी और ये हो जाएगा सेकेंडरी ओके okay. सो so, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर का ये पार्ट प्राइमरी होगा और ये सेकेंडरी ऐसा कोई फिक्स नहीं है आप जहां से सप्लाई देते हो अगर इधर से दिया तो इधर लेना है तो एक कंडीशन में कभी बन जाओ जो, जो बनेगा स्टेप अप वही हो जाएगा स्टेप डाउन ओके सो अब क्या होता है स्टेप अप स्टेप डाउन थोड़ी सी जानकारी देता हूं अगर मान लो अभी हमने क्या किया अभी एक एग्जाम्पल लिया कि यहां पर वोल्टेज कितना है सर दो वोल्ट ओके और यहां पर वोल्टेज कितना मिला है सर यहाँ पे पचास वोल्ट तो एक चीज देखना जहां पे आपने सप्लाई दिया है जहां से आपने सप्लाई दिया है और जहां पे आप रिसीव कर रहे हो सो सप्लाई साइड का वोल्टेज V1, V1 ग्रेटर है किससे सर V2 से V2 से V1 ग्रेटर है ऐसा ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा स्टेप डाउन क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं देखिए यहां था यहां कितना है सर लेवल देखिए यहां पे दो सौ वोल्ट कम हो गए सो स्टेप डाउन नीचे आ रहे सीढ़ी से क्या हो रहे नीचे आ रहे हैं ध्यान से समझिए एक पायदान ऊपर एक नीचे सो नीचे जा रहा हूं मतलब स्टेप डाउन जा रहा हूं दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेप डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा सर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दैट्स वाई ये ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा स्टेप डाउन सॉरी वी वन बड़ा है V2 टू से सो स्टेप डाउन ओके स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ओके ऑब्वियसली अगर 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 ऐसा हो जाता यहां 200 और यहां 500 वोल्ट मिल जाता यहां 200 और यहां 500 मिल जाता मतलब अपन बढ़ रहे देखो देखो ये यहां नीचे थे ऊपर गए फिर ऊपर जाएंगे इसका मतलब स्टेप अप स्टेप अप कर रहे सीढ़ी पे चढ़ रहे स्टेप अप यहां कम था प्राइमरी साइड कम था ऊपर जाएंगे तो स्टेप अप ओके क्लियर है सो अगर नीचे जब प्राइमरी ज्यादा है नीचे जा रहे हैं सो स्टेप डाउन क्लियर सो अगर मैं बात करूं तो ये कैसा हो जाएगा वी बड़ा हो जाएगा अगर वी से दैट इज स्टेप सॉरी स्टेप अप स्टेप अप ट्रांसफर इसका मतलब है स्टेप अप का मतलब है कि पहले प्राइमरी साइड से ऊपर सीढ़ी की ओर चल रहे क्या कर रहे हैं सर यहां से बंदा क्या कर रहा है कोई बंदा है एक बंदा ही बना देता हूं ऊपर की ओर जा रहा है मतलब स्टेप अप हो रहा है क्या कर रहा है सर स्टेप

आ, सर एप्लीकेशन पाकिस्तान से भी यूज कर सकते हैं एक्चुअली उनको ना पेमेंट में इशू आ रहा है जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से मैं आज बता दूं कि कई बच्चे हैं जो कई बार व्हाट्सएप पे भी आ, कमेंट कर रहे हैं हमारी टीम से कम्युनिकेट कर रहा है वो ना उनके पेमेंट का जो सीम है वहां शायद वहां स्टेट बैंक है वहां के बच्चे के लिए है ना वो बोला था स्टेट बैंक है पर पेमेंट करता हूं तो डिक्लाइन हो जाता है पेमेंट हो नहीं पाता जो हमने टीम से बात किया कि वो क्यों नहीं होता उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला कि वो ऐप तो बेशक वहां पे डाउनलोड हो जा रहा है पर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है सो ये एक इशू है मैं फिर भी बात करूंगा अपने टीम से अगर ये हो पाए तो आप लोग इसका बेहतर फायदा उठा सकते हैं ओके सो वहाँ पे पाकिस्तान में बता दूं कि जो हमारा कोर्स है तीन साढ़े तीन हजार का तीन साढ़े तीन हज़ार का तो वही कोर्स पाकिस्तान के अंदर जो है हमको लगता है आठ सात आठ हज़ार के रुपए में दिखा रहा है उसको लेकिन वो पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है क्या करें ओके okay. सो so, ये एक है डाउन no. ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है, तो है. और इसका एक बेहतर एग्जांपल आप समझिए कि अगर कोई कह रहा है कि हंड्रेड है एक नॉर्मल मैथ्स बता रहा हूं सर समझिए बहुत बच्चा इसमें भी कंफ्यूज कर जाता है एक छोटा सा मैथ्स बता रहा हूं अगर कोई कहता है हंड्रेड पच्चीस गुना चार करने से होता है है ना? पच्चीस गुना चार करने से होता है तो एक दूसरा और ऑप्शन है कि इस हंड्रेड को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए इसको आपने क्या किया सर कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए अगर आपने इसको वी वन बोला इसको आई वन बोला तो चेंज तो कर सकते ना वी वन आई वन कर सकते ना चेंज ओके सर तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिए अगर वोल्टेज को मान लो आपको बढ़ाना है तो वोल्टेज को बढ़ा के कितना करना है या घटाना है कोई कह रहा है सर घटाना है सो so, अगर इसको आप क्या करोगे सर आधा करना चाहते हो 12.5 पॉइंट वोल्ट में तो श्योर इतना को मेंटेन करने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा आठ करना पड़ेगा ये जनरल कॉमन साइंस की बात है कि अगर आप इसको बोलते हो सर वी वन और इसको बोलते हो I1 तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज को अगर आपने कम किया है V2 टू कम कम किया है वोल्टेज बारह पॉइंट पांच वोल्ट कर दिया तो ऑब्वियसली करंट जो है बढ़ जाएगा ये देखिए करंट क्या किया बढ़ जाएगा इसको मैं I2 लिखता हूं मतलब ये छोटे छोटे चीजें हैं पर पता होना चाहिए बिल्कुल बेसिक चीज है इसमें कुछ भी मैं अलग नहीं सिखा रहा पर बेसिक है नॉर्मल मैथ्स कहता है कि पावर को कांस्टेंट रखने पी वन और यह है पी टू ट्रांसपोर्ट का इसको नियत रखते हुए अगर एक को घटाओगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पावर को हमेशा क्या रखना है नियत रखना है पावर हमेशा नियत रखना है अब मैं बताता हूं सर क्या यूज है इन चीजों का है ना हालांकि पहला तो मैं बताया से आ, स्टेप अपन का दूसरा बात मैं बताता हूं, यहां से करता हूं। बहुत सारा आ, सर, मैं जो है कलेक्ट नहीं कर पाया बहुत सारा डाटा नहीं तो और भी डाटा में कलेक्ट करता डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर या पावर ट्रांसफॉर्मर की बात कर लेता हूं है ना चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं सर एक्चुअल में यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है एक्चुअल में यह जो आपके घरों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आते हैं है ना तो यहां पे होता क्या है सर इसमें ना ग्यारह हजार एलेवन के वी का एलेवन के वी का वोल्टेज आता है एलेवन केवी वोल्टेज और अपन जो गांव घरों में इसको लेते हैं वो कितना लाइन टू लाइन वोल्टेज अगर बात करें तो 400 सौ वोल्ट कितना मिलता है सर 400 सौ वोल्ट सो so, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा अपने को इक्विपमेंट 400 सौ वोल्ट जैसे कि मोटर की बात करूं थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो लाइन टू लाइन वोल्टेज लगभग उसको 400 चाहिए तो ऑब्वियसली डायरेक्ट 11 के भी उस मोटर को ठूस तो मतलब धकेल तो नहीं सकते इसके लिए बीच में हर गांव घरों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर या शहरों में भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या होता है ये वोल्टेज स्टेप डाउन होकर आपके घरों में इतना मिलता है ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है 400 वोल्ट कभी भी देता है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है और फेज वोल्टेज अगर होगा मतलब एक फेज और एक न्यूट्रॉन एक अगर न्यूट्रल है और एक फेज से ले रहे हो तो इनके बीच कभी भी वोल्टेज लोगे तो वो मिलेगा आपको 220 वोल्ट या 230 वोल्ट इतना मिलता है मतलब फेज वोल्टेज और ये लाइन वोल्टेज कुछ ये मामला होता है सो so, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही मामला होता है एक और किसमें सर पावर ट्रांसफॉर्मर में किसमें सर पावर ट्रांसफॉर्मर में ऐसा ही मामला किस में होता है सर पावर ट्रांसफॉर्मर में वेट अ सेकेंड पावर ट्रांसफॉर्मर में इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं नहीं तो वो अंदर वाला ढक जाएगा ये ले गया इधर कहीं चला गया ये क्या हो गया ये तुमने क्या किया हट जा यार आजा आ जा, जा। चलिए आ गया मामला बन गया नहीं तो गंभीरता से लेना पड़ता है इसको ओके okay, वरना ये दिक्कत करता चलिए मामला ठीक हो गया अब आई होप कि हाँ बिल्कुल आशीष मैं एक चीज बता दू होली ऑफर आज से नहीं सर आज ही से आपका एक्टिवेट हो जाएगा होली ऑफर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे आप लोग जाके बेहतर कंटेंट ले सकते हैं होली ऑफर आज शाम से 18 तारीख तक पूरे होली चलेगा कोशिश करिए ज्यादा ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं इस ऑफर का ओके सो एक तो मामला ये हुआ सर दूसरा क्या होता है पावर ट्रांसफॉर्मर एक पावर ट्रांसफॉर्मर की चर्चा कर दू मैं थोड़ी सी तो जहां जेनरेशन होता है सर एक पावर ट्रांसफॉर्मर लिया हूं यहां पर तो जहां जेनरेशन होता है जेनरेशन मोस्ट ऑफ द केस आपने पावर सिस्टम पढ़ा होगा अगर थोड़ा भी तो जेनरेशन मोस्टली इलेवन के बी पे होता है हमारे कितना बहुत हाई वोल्टेज रेटिंग पे नहीं होता है इलेवन पे होता है सो ऐसे टाइम में ये ट्रांसफॉर्मर की साइज देखो इससे भयानक भयानक ट्रांसफॉर्मर में लाऊंगा दिखाऊंगा तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर में जिसमें पंखे लगे होते हैं कूलिंग के लिए रेडिएटर्स लगे होते हैं बहुत सारी चीज होता है सो so, इलेवन के भी जब जनरेट होता है और पावर बहुत ज्यादा ट्रांसफर करना है क्योंकि पावर मगर मेगा में मेगा वोल्टेपियर है ना तो मेगा वोल्ट वोल्टियर में इलेवन को करें तो करंट तो बहुत ज्यादा होगा और ट्रांसमिशन लाइन में करंट अगर उतना ज्यादा गुजारेंगे तो उसके लिए इतना मोटा कंडक्टर चाहिए इतना मोटा तो वो भेज पाएंगे क्या नहीं सो so, ट्रांसमिशन अगर करना जनरेशन तो इलेवन के भी है और यहां पे करंट मोटा तार यूज होता होगा जहां पे जनरेटर है वहां बड़े बड़े मशीन के मोटे तार यूज होते होंगे ओके okay, लेकिन वो क्या मोटा तार भेज पाएंगे किलो किलो पांच सौ किलोमीटर हजार किलोमीटर सो वो डिफिकल्टीज होती है इसीलिए क्या करते हैं कहते हैं कि वोल्टेज बढ़ा दीजिए करंट को कम कर दिया करंट जितना कम होगा तार उतना ही पतला होगा करंट जितना मोटा होगा तार उतना ही मोटा होगा कोई एग्जांपल में बता देता ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है इसमें तार कितना पतला है क्यों क्योंकि इसमें करंट कम जा रहा है वोल्टेज ज्यादा कर दिया इसीलिए क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में भी अगर बहुत लंबे वायर से आपको पहुंचाना है कहीं पे तो क्या करना पड़ता है सबसे पहले स्टेप ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं क्या करते हैं स्टेप अप मतलब इलेवन के वी को भेज देते हैं सीधे इसका आउटपुट कितना दे देता है ये सर मान लो एक सौ बत्तीस के वी सपोज दैट एक सौ बत्तीस के वी सर चार सौ के वी तो इतना वोल्टेज लेवल स्टेप ऑफ करते हैं ताकि करंट की मात्रा घटे तो पतला कंडक्टर से भी काम निकाल लेंगे ट्रांसमिशन में जो पतले वायर का इस्तेमाल करते हैं के okay, सो so ये सब मेन एप्लीकेशंस यूज होते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर के बाकी बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस है जैसे वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर लैब के लिए सबसे ज्यादा वेरिएबल वोल्टेज के लिए क्योंकि ये फिक्स वोल्टेज देता है ये फिक्स वोल्टेज एक बार डिजाइन हो गया फिक्स वोल्टेज देगा बीच में टैपिंग कर दिए तो आधा दे सकता है फिर फुल देगा लेकिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वेरिएबल वोल्टेज देता तो वो एक अपॉर्चुनिटी है उन सबको जैसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर तो यूज तो बहुत वाइड है लेकिन मेन पर्पस यही होता है वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना वोल्टेज का घटाना आई लाइक योर टीचिंग स्टेल सर क्या गजब का पढ़ाते हो सर ओके चलिए सो सो आइए सर सो फाइनली फाइनली यही मामला था सर फाइनली ट्रांसफॉर्मर का जो मुझे लगता है कि जो मैंने अभी तक बेसिक थॉट्स बताए तो वो आपको अच्छे से दिमाग में जानकारी आ चुकी होंगी ट्रांसफॉर्मर को कुछ इस तरीके से हमने किया है ट्रांसफॉर्मर में मैं एक बार डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ कर देना चाहूंगा एक बार डिटेल डिस्कशन कर देना चाहूंगा यहां पे वेट अ सेकेंड पूरे डिटेल में डिस्कशन इसका कर देना चाहूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए है ना किस तरीके से हम आज की क्लास को कंटिन्यू किए इतना मैं क्लास को कैसे किया एक बार रिवीजन होना चाहिए सर लाइक like, शेयर तो आप लोग कर ही दीजिएगा जो जितना होगा ज्यादा ज्यादा बच्चों तक रीच करिए ताकि मैं जो भी कंटेंट डिलीवर करूंगा ज्यादा बच्चों के लिए फ्रूटफुल होने वाला है सो so, सर आज की क्लास में हमने क्या किया बारीकी से रिकॉल हमने बोला मशीन एक ग्रंथ हमारा स्टार्ट हो रहा है दूसरा बोला पूरे मशीन को कितने भागों में बांटा ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन इंडक्शन सिंकोशन स्पेशल मशीन इतने भागों में होगा ये क्लास रेगुलर दस बजे चलेंगे रेगुलर दस बजे डेली चलेंगे नौ दूसरी बात मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मर को अजीब अजीब तरीके से आप देखे होंगे कभी ऐसा देखा होगा कभी आपने ऐसा देखा हो कभी ऐसा देखा हो कभी ऐसा भी देखा हो कभी ऐसा देखा होगा और जिनको हॉलीवुड में इंटरेस्ट होगा उन्होंने ऐसा भी देखा होगा मूवी भी देखते हैं देखने वाले भर भर दिन मूवी देखते हैं खासकर कॉलेज लाइफ में जो होता तो कई बच्चे ऐसे मिलेंगे सुबह शाम बोलता है तीन मूवी कंप्लीट किए मूवी भेजो मैसेंजर पहले होता था उसके थ्रू भेजो इसके थ्रू भेजो तो ये भी है चलो वो जमाना बीत गया जब आपने वो किया उस टाइम तैयारी कर लेते थे शायद इतना नहीं करना पड़ता नो सर ये भी एक जमाना है चलिए सर इसको तो रहने देते हैं भाई

अठहत्तर से तेरासी या चौरासी लेक्चर करवाया है उसको करिए अच्छे से ये पूरा रिलीवेंट है ट्रांसफॉर्मर से नहीं तो कमजोर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर कमजोर हो जाएगा उसके बाद हमने बोला मैग्नेटिक सर्किट पढ़ना कंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मर पढ़ना क्या क्या एप्लीकेशंस एंड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इट्स टाइप ये सारी चीजों को डिस्कस करना नेक्स्ट लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज ओके नाउ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेगुलेशन ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑटो ट्रांसफॉर्म वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर ये सारी चीजों को डिस्कस करना और उसके बाद बताया इंट्रोडक्शन क्या है ट्रांसफॉर्मर उसको हमने डिफाइन किया ये सारा चीज चलता रहा ये सारा चीज चलता रहा ट्रांसफॉर्मर के बारे में एक एक लाइन को मैंने डिस्कस किया ये एक एक चीजों को हमने पूरे कवर किया है किस तरीके से एक बेसिक ये सर नॉर्मल एक साइंस में एक साइंस का लड़का भी इसको कवर करता है जब वो फिजिक्स पढ़ता है सर आप नॉन टेक्निकल की तैयारी चाहे रेलवे के अंदर करोगे या किसी भी में तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा उसमें ये सब तो इतना करना ही पड़ता है साइंस में खुद डील कर देता हूं सो ये सब चीज पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वहां भी साइंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछते चाहे वो एन का एग्जाम हो या फिर आपका नॉर्मल रेलवे का एग्जाम हो आपके एस एस में भी क्वेश्चन साइंस में ये सब पूछे जा सकते हैं कोई बड़ा टफ काम है तो नहीं नो no. अनदर इसके बारे में चर्चा किया क्या स्टेप और डाउन होता होता है जो होता है मेन जो पावर का कैसे घटता बढ़ता है पावर कंट्रोल होते हुए वोल्टेज कैसे घटता बढ़ता है अगेन ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से है हमारे पास और एक बात मैं बताऊं मैग्नेटिक सर्किट लास्ट पॉइंट एक लिखता हूं सर पांच मिनट दिल थाम के बैठिए पांच मिनट और आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा उसमें कंटेंट देखिएगा बहुत बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा ना मैग्नेटिक सर्किट इज इंपॉर्टेंट हुआ मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट इज इंपॉर्टेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सर सर देखिएगा एक्चुअली होता क्या है पूरे ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करोगे पूरे ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करते हो क्यों इतना बना जब बना हुआ फिगर अपने पास है वेट आते हैं आइए भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता क्या है यह मामला देखिए ये देखिए सर छोटा बना ही दे तो शायद बेहतर होगा अब टाइम भी हो गया सभी लोग रेगुलर रे रे जुड़े हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और टाइम भी हो गया बहुत को भूख भी लग रहा होगा है ना बहुत खाना नहीं खाया होगा कोई नाश्ता नहीं किया होगा कोई लॉज में होगा कोई कॉलेज जाना होगा सो so, सब तरह के बच्चे जुड़ते हैं ओके सो so, यहां पे देखिए मेन पार्ट क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में ये यह देखिए यहां और यहां ट्रांसफार्मर करता क्या है सर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है फिर से इसको एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड हटा देता हूं ट्रांसफॉर्मर क्या करता है एक मीडियम का, का काम करता है यहां पे एक मीडियम का, का काम करता है मीडियम का काम करता है कैसा मीडियम सर अब ये भी हैंग करने लगा वेट अ सेकेंड कैसा मीडियम सर ये एक मीडियम का काम करता है कि यहां से किसको लेता है सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और यहां भी रिसीव क्या करता है सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब रिसीव किया इलेक्ट्रिकल यानी दिया इलेक्ट्रिकल रिसीव भी किया इलेक्ट्रिकल तो ऐसे कंडीशन में ऐसे कंडीशन में इसमें मैग्नेटिक सर्किट बना है ये क्या है मैग्नेटिक सर्किट तो आपको ये जानकारी यहां से उठाना है सर ये जानकारी उठाना है कि किस लॉ के तहत ये इलेक्ट्रिकल कैसे फ्लक्स में तब्दील होता है क्या इस ट्रांसफॉर्मर के कोर का जो मैग्नेटिक होता है वो आयरन का सपोज दैट और आयरन का ही सपोज नहीं आयरन का ही होता है जो सिलिकॉन स्टील होता है इसमें रिलक्टेंस का क्या रोल होता है ओके एम एम एफ का क्या रोल होता है और फाइनली आप कहूंगा मैं यहां पे परमिबिलिटी का क्या होता है सो so, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बजाने के लिए एक माध्यम का काम करता है और इसीलिए मैग्नेटिक सर्किट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे आपको फेराडेज लॉ भी आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए सर यहां पे लेंज लॉ भी आपको जानना चाहिए ये सारे लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए फेराडेज लॉ लेंज लॉ जो आपको फाइनली चीजों को बेहतर कराएगा बिकॉज क्वेश्चन भी आते हैं ओके चलिए क्लियर है क्लियर है एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो सर छोड़े आज के लेक्चर को ये लेक्चर है इसीलिए बड़ा मैग्नेटिक सर्किट कर लेना मैं ऐड कर दूंगा सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर हम फिर मिलेंगे सर कल अपने टाइम दस बजे ओके तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय टाटा टेक केयर सर कोई क्वारी है तो पूछ सकते हैं अब कोई क्वा देखो मैं टाइम का एक जायजा वो कमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करता जितना भी टाइम दूंगा सॉलिड टाइम मिलेगा टाइम के कोई वेस्टेज नहीं होने वाला यहां पे पता चला दस मिनट पढ़ाया पंद्रह मिनट एडवर्टाइजमेंट किया एक घंटा पढ़ा पंद्रह मिनट एडवर्टाइजमेंट किया वो भी मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है यहां पढ़िए कहीं पर भी हमारे साथ वही है टू दि पॉइंट पढ़िए बातों को समझिए कलेक्ट करिए डाटा क्लियर सर बोलिए क्लियर है फिर कल मिलते हैं सर पीडीएफ डी पीडीएफ भी मिलेगा सर सभी को पीडीएफ भी मिलेगा हम ऐप के अंदर पीडीएफ करने का कोशिश करेंगे राजकमल सर टेलीग्राम चैनल पे राजकमल सर या इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म दोनों टेलीग्राम चैनल है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पीडीएफ या फिर राजकमल सर आ, आप लोग टाइप करेंगे वहां पे मिल जाएंगे वहां पे जुड़ जाइएगा पीडीएफ उस लिंक में भी देंगे जैसे कि सरकिटे सागर हमने दिया था ओके शॉर्ट सीरीज बिल्कुल शॉर्ट सीरीज इसी से रिलेवेंट था एक क्वेश्चन से हमने कई क्वेश्चन कराने की कोशिश किया था वो भी आपके शॉर्ट सीरीज आ रहे हैं पचास चलेंगे मशीन के जिसमें अभी अट्ठाइस उन्तीस हो चुके हैं बीस और आएंगे पचास से सौ चलेंगे सर्किट सौ से डेढ़ सौ चलेंगे मेजरमेंट डेढ़ सौ से दो सौ चलेंगे पावर सिस्टम और सर दो सौ से ढाई सौ चलेगा हमारा मिक्स मिसलेनियस क्वेश्चन ओके ओके चलिए सर फिर मिलते हैं बाय टाटा टेक केयर चलिए सर विराम देते हैं एकदम जुनून के साथ लगिएगा सर जुनून के साथ जुनूनियत होगी चीज सीख लेंगे मैं तो सिखाने की गारंटी लेता हूं सिखा दूंगा जुनूनियत के साथ सीखिएगा चलिए यूपीफिसियल पेपर का डिबेट रोड हो गया सर सर यूपीपीसी पेपर ओके चलिए हो जाएगा लॉसेस कब बताइएगा हो जाएगा लॉस भी बताएंगे जी लॉस भी बताएंगे लॉस भी बताएंगे लॉस भी बताएंगे ओके चलिए चलिए मैं एक बार टेलीग्राम का लिंक नहीं तो दे देता हूं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ जहां आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ओके बाय बाय सर बाय बाय अरे चुट्टा डाउनलोड करके क्या करोगे दीपक कुमार डाउनलोड करके हमको डुबाओगे क्या बढ़िया है डाउनलोड नहीं होता है ऐप डाउनलोड कर रहे हैं फ्री में पढ़ रहे हैं फिर भी डाउनलोड क्यों कर रहे हैं करना आराम से पढ़िए हमेशा रहेगा हमेशा रहेगा दीपक आराम से पढ़िए मास्टरे को डुबा दोगे तुम